दोस्तों WWE स्टार्स को रिंग में जानवरों को लाते तो बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन वो जानवरों को फाइटिंग रिंग में क्यों लाए, इससे बहुत लोग अनजान हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस रोमांचक रहस्य से पर्दा उठ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना। WWE जिसे पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक फाइट मैच कहा जाता है, जहाँ खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के ऊपर किसी भी चीज से किसी भी तरीके से हमला कर सकता है। रिंग में मौजूद हर एक खिलाड़ी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि किसी भी कीमत पर उसे जीत हासिल करनी है। अक्सर आपने देखा होगा कि WWE के फाइट के दौरान कभी कोई लोहे की कुर्सी से हमला करता है तो कोई टेबल को उठा लेता है। लेकिन WWE के इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है जब कोई फाइटर खुद लड़ने की बजाय अपने साथ से चीता, मगरमच्छ और खतरनाक अजगर जैसे जानवर को लेकर रिंग में कूद पड़े। जिस रिंग के अंदर दो खिलाड़ियों को आपस में लड़ना होता है, वहां पर कोई खिलाड़ी जब अपने साथ शेर, चीता और मगरमच्छ जैसे जानवरों को लेकर पहुंचता है तो ये नजारा बहुत ही खतरनाक होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं घटनाओं के बारे में बताएंगे जब रिंग के अंदर खिलाड़ी की जगह मगरमच्छ और अजगर लड़ाई कर रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि WWE के रिंग में कोई भी नियम नहीं होता, वहां पर वही होता है जो खिलाड़ी चाहता है। फिलहाल वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से सवाल है कि WWE की दुनिया में ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जो अपने मुंह में जिंदा केंचुओं को भरकर लाता था? रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट। दोस्तों, अगर आपको WWE का फाइट देखना पसंद है तो आप इस शख्स के बारे में जरूर जानते होंगे जो रिंग में अपने साथ अपने पालतू अजगर को लेकर आता था। इसका नाम था जैक रॉबर्ट। वो अपनी ताकत से ज्यादा अपने साथ लाने वाले अजगर की वजह से फेमस था, जिससे वो दूसरे रेसलर पर हमला भी करवाया करते थे। कई बार तो उनके पालतू अजगर की मदद से वो जीत भी हासिल कर लिए थे, और यही वजह है कि रिंग में उन्हें एनाकोंडा मैन के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन आज से 35 साल पहले WWE के एक फाइट के दौरान उनके साथ ऐसा वाकया हो गया जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। सैटरडे नाइट मिनी इवेंट में जब जैक ने अपने एनाकोंडा को रिकी स्टीमबोट नाम के ऊपर फेंक कर उस पर हमला करने की कोशिश की, तो रिकी स्टीमबोट ने अपने पालतू एलिगेटर की मदद से जैक रॉबर्ट को डरा दिया। WWE के रिंग में ये पहली ऐसी घटना थी जब दो खिलाड़ियों के साथ साथ दो खतरनाक जानवरों की लड़ाई कर रहे थे। इस एलिगेटर को बम बम ड्रैगन का नाम दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें, एलिगेटर और मगरमच्छ दोनों ही खतरनाक होते हैं। एलिगेटर को हमारे भारत में घड़ियाल के नाम से जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और सवाल है कि WWE के इतिहास का सबसे बड़ा भारी भरकम खिलाड़ी और सबसे लंबा खिलाड़ी कौन सा है? इस सवाल का जवाब आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। एरिक रोवान। अब हम आपको WWE के जिस रेसलर के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। लंबे नारंगी दाढ़ी वाले शख्स का नाम है जोसेफ रूड, लेकिन WWE की दुनिया में लोग इन्हें एरिक रोवान के नाम से जानते हैं। साल 2019 की शुरुआत में एरिक रोवान अपने साथ एक थैला लेकर आते थे जिसके अंदर एक स्टील की जाली का पिंजरा हुआ करता था। कोई भी नहीं जानता था कि उस थैले के अंदर जो पिंजरा है उसके अंदर आखिर है क्या। दरअसल एरिक रोवान उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर को कैद करके रखा था, लेकिन रिंग के दौरान फाइट के बीच में कभी मौका ही नहीं मिला कि वो अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर उस खतरनाक जानवर से हमला करवा दे। लेकिन 2 मार्च 2020 को ये राज सबके सामने आया और खुद एरिक रोवान ने लोगों को दिखाया उसके पिंजरे के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मकड़ी तरण तुला कैद है। वो अपने साथ उस खतरनाक जीव को अपने प्रतिद्वंदी रेसलर के ऊपर हमला करवाने के लिए लाता था, लेकिन कभी उन्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। एरिक रोवान WWE के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, वीडियो को अंत तक देखना। द बिग शो। जब पूरी दुनिया के सबसे अधिक वजन वाले रेसलर का नाम पूछा जाता है तो दुनिया भर के लोगों के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है द बिग शो। WWE के रिंग के इस सबसे खतरनाक खिलाड़ी की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सब कुछ ही जबरदस्त है। बात साल 2003 की है जब रिंग के अंदर बिग शो के सामने अंडरटेकर मौजूद थे। स्मैकडाउन के उस एपिसोड में बिग शो की तरफ से अंडरटेकर को दो बड़े बक्से तोहफे के रूप में दिए जाते हैं। जब अंडरटेकर ने पहला बक्सा खोला तो उसमें से कुत्ता निकला, जिसे अंडरटेकर सिक्योरिटी गार्ड को दे देते हैं, और जैसे अंडरटेकर ने दूसरा बक्सा खोला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला, यानी वो बक्सा खाली था। दरअसल बिग शो ने ऐसा इसलिए किया था ताकि अंडरटेकर का ध्यान कहीं और भटक जाए और बिग शो अंडरटेकर के ऊपर हमला कर दे। और ऐसा ही हुआ। जैसे अंडरटेकर ने देखा बक्सा तो बिल्कुल खाली है, उसे थोड़ी हैरानी हुई, और इसी बीच बिग शो ने अंडरटेकर के ऊपर हमला करके उसे चित कर दिया।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडरटेकर रेसलिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान माना जाता है। द ग्रेट खली। अब बारी आती है द ग्रेट खली की, एक ऐसा रेसलर जो हमारे भारत से निकला हुआ है और जिसने WWE की रिंग में महज एक पंजे से WWE के इतिहास के सबसे खतरनाक इंसान को विचित कर दिया था। द ग्रेट खली का नाम भी रिंग के अंदर अजीबोगरीब जानवरों को लाने के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, मुद्दे पर आने से पहले आपको बता दें कि भले ही आज द ग्रेट खली रेसलिंग की दुनिया के एक सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उनका बचपन और उनकी जवानी बहुत गरीबी में बीती थी। यहाँ तक कि इतने हट्टे कट्टे और इतने भारी भरकम शरीर वाले इंसान को पेट भर के खाना भी नसीब नहीं होता था, इसलिए उन्हें बचपन में पत्थर तक तोड़ने का काम करना पड़ा था। दरअसल खली की कदकाठी शुरुआत से ही बहुत शानदार और आकर्षक थी, इसी वजह से पंजाब पुलिस के एक अधिकारी ने उन्हें पंजाब पुलिस में भर्ती होने का ऑफर दिया। इसके बाद दिलीप सिंह राणा ने साल 1993 में पंजाब पुलिस की नौकरी शुरू कर दी, लेकिन खली को तो कुछ और ही बनना था और देश दुनिया में अपनी पहचान बनानी थी, इसलिए उन्होंने पुलिस में भर्ती होने के बाद रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। लगातार मेहनत के बाद साल 2000 में उन्होंने अमेरिका में पहली बार रेसलिंग का अपना करियर शुरू किया। इसके बाद साल 2006 में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जिसे आप WWE के नाम से जानते हैं, वहां के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया और इस तरह से ऐसा करने वाले वो भारत के पहले पहलवान बने थे जो WWE की रिंग तक पहुंचे। इसके बाद उनके लिए नए नाम की तलाश की जाने लगी, कभी भीम तो कभी कुछ और। कई नामों को बदलने के बाद द ग्रेट खली के नाम पर आखिरी मोहर लगी और ये नाम दिलीप सिंह राणा को खूब पसंद आया और दुनिया भर में दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली के नाम से मशहूर हो गए। आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में द ग्रेट खली मशहूर है। अब बारी आती है मुद्दे की। ये वाकया है साल 2007 का, जब द ग्रेट खली बिग शो को स्मैकडाउन के एक एपिसोड में पीस यानी शांति का महत्व समझाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो द ग्रेट खली बिग शो को महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए अहिंसा के रास्ते पर चलने को कहते हैं। पहले तो ग्रेट खली बिग शो को गंगा जल देते हैं और बोलते हैं, इसे पी लो, तुम शुद्ध हो जाओगे। दूसरे तोहफे के रूप में द ग्रेट खली उस दिग्गज को स्कॉच देते हैं, यानी कि एक तरह की शराब दी जाती है। तीसरे तोहफे के रूप में द ग्रेट खली बिग शो को एक जिंदा मुर्गा देते हैं और कहते हैं, तुम्हें भूख बहुत लगती है इसलिए तुम्हें चिकन खाने की जरूरत है। और चौथे और आखिरी तोहफे के रूप में खली की तरफ से बिग शो को एक बकरी दी जाती है। बकरी देने के बाद खली बोलता है कि महात्मा गांधी इसका दूध पीते थे और तुम भी इसी बकरी का दूध पियो। पर शायद ये सब बिग शो को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने खली पर एक खतरनाक नॉकआउट हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि द ग्रेट खली बिग शो के उस खतरनाक हमले की वजह से चित हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे रिंग में सिर्फ और सिर्फ द ग्रेट खली का नाम ही गूंज रहा था, स्कॉट स्टेनर। स्कॉट स्टेनर WWE की बहुत ही फेमस खिलाड़ी है। अब वैसे भी बहुत से लोग होंगे जिनका पसंदीदा खिलाड़ी स्कॉट स्टेनर होगा। WWE की दुनिया का एक खतरनाक खिलाड़ी भी अमेरिका से निकल कर आया है और एक घटना है 23 अक्टूबर 2020 की, जब WWE के मैच के दौरान स्कॉट स्टेनर ने एक ऐसा कारनामा किया जिसके बारे में शायद खुद WWE के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। उस दिन WWE मंडे नाइट रॉ के दौरान स्टेनर ने भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर को अपने साथ लेकर आ गए। इतने लोगों के बीच निडर होकर असली बाघ को लाना वाकई में हिम्मत का काम है। अब स्कॉट स्टेनर ने इस बाघ को लोगों को दिखाने के मकसद से लाए थे या फिर अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर हमला करवाने के मकसद से, ये तो नहीं पता, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही बाघ को वहां से वापस लेकर जाया जाता है। लेकिन स्कॉट स्टेनर के लिए ये दिन वाकई यादगार बन गया क्योंकि WWE के इतिहास में ना ही इससे पहले किसी ने ऐसा किया था, ना ही इसके बाद ऐसा कोई कर पाया। दोस्तों, आपको बता दें, WWE का खेल दुनिया के सबसे अजीबोगरीब खेलों में से एक है, जहां के नियमों के मुताबिक WWE के हर खिलाड़ी को हर वक्त चौकन्ना होना पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, उसी रोड, लोहे, डंडे, टेबल, किसी भी चीज से। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए WWE के अधिकारियों ने कुछ खतरनाक मूव्स के ऊपर बैन लगा दिया, जैसे कि आप किसी खतरनाक जानवर को लेकर रिंग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते और अब आप रिंग के अंदर किसी खिलाड़ी के सिर के ऊपर कुर्सी से हमला नहीं कर सकते। दोस्तों, जाने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है कि WWE की दुनिया का सबसे अमीर खिलाड़ी कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन भी मौजूद है, द रॉक, अंडरटेकर, रॉय मिस्टीरियो या फिर ट्रिपल एच। आप अपना जवाब हमें कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।